सब्सक्राइब कीजिए तवा मसाला चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर और पाइए फूड रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तवा मसाला। आज की हमारी रेसिपी है सांभर। सांभर जिसे हम इडली के साथ खा सकते हैं, डोसा के साथ खा सकते हैं, उत्तपम के साथ भी हम खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख ले। ये मैंने तुअर की दाल ली है, यहाँ पे जो आपको कटोरी दिखाई दे रही है इसे पूरा भर के तुअर की दाल को प्रेशर कुकर में डाल के उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे दो विसल से प्रेशर कुक किया है। लौंग है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, हरी मिर्च है, नींबू है, लौकी है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, राई, मूंगफली हाफ क्रश की हुई, टोमेटो के पीसीस है और नमक है। अब सबसे पहले हम इसे क्रश करेंगे। तो ये जो हमने तुअर की दाल ली है उसमें टोमेटो डालेंगे। यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक टोमेटो चॉप किया है, अब इसे हमें पीसना है। ये हमने दाल को हैंड मिक्सी यानी कि ग्राइंडर से पीस लिया है। अब हम तड़का लगाएंगे। सबसे पहले एक पैन ले, अब उसमें एक से डेढ़ चम्मच ऑयल ले, अब इसमें थोड़ी राई ऐड करेंगे, अब इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे, अब ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसे रसी में दाल ऐड करेंगे। अब इसके अंदर लौकी ऐड करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक लेंगे और एक छोटी चम्मच मूंगफली लेंगे, उसे मैंने हाफ क्रश किया हुआ है। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से उबालना है। सांभर को हमें 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से उबालना है। बीच में इसे ऐसे हिलाते रहिए। ये सांभर हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम लास्ट में इसमें नींबू ऐड करेंगे। एक आधा नींबू हम इसमें अभी यूज कर रहे हैं। आप नींबू और नमक को अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारा ये सांभर अभी रेडी है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा सांभर पूरी तरह से रेडी है। अभी मैंने जैन सांभर बनाया है। अगर आपको रेगुलर सांभर बनाना हो तो आप इसमें लहसुन की चटनी और प्याज ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा सांभर अब रेडी है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए हर रोज ढेर सारी नई रेसिपी लेके आऊं और आप तक वो तुरंत पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।